फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। नारियल को श्री फल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया तो वे अपने साथ तीन चीजें लक्ष्मी, नारियल का वृक्ष तथा कामधेनु लाए, इसलिए नारियल के वृक्ष को श्री फल भी कहा जाता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, अर्थात नारियल लक्ष्मी व विष्णु का फल है। नारियल में त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल है। मान्यता अनुसार नारियल में बनी तीन आँखों को त्रिनेत्र के रूप में देखा जाता है। श्रीफल खाने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। इष्ट को नारियल चढ़ाने से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भारतीय पूजन पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का महत्वपूर्ण स्थान है। कोई भी वैदिक या दैविक पूजन प्रणाली श्रीफल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। यह भी एक तथ्य है कि महिलाएं नारियल नहीं फोड़ती। श्रीफल बीज रूप है, इसलिए इसे उत्पादन अर्थात प्रजनन का कारक माना जाता है। श्रीफल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियों बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं और इसलिए नारी के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना गया है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। शनि की शांति हेतु नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक करने का शास्त्रीय विधान भी है। भारतीय वैदिक परंपरा अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति और सौभाग्य का सूचक माना जाता है। किसी को सम्मान देने के लिए उन्हीं शॉल के साथ श्रीफल भी भेंट किए जाते हैं। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में भी शुभ शगुन के तौर पर श्रीफल भेंट करने की परंपरा युगों से चली आ रही है। विवाह सुनिश्चित करने हेतु अर्थात तिलक के समय श्रीफल भेंट किया जाता है। विदाई के समय नारियल व धनराशि भेंट की जाती है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाए जाते हैं। वैदिक अनुष्ठानों में कर्म कांड में सूखे नारियल को वेदी में होम किया जाता है। श्रीफल कैलोरी से भरपूर होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं। इसमें कोमल तनु से जो रस निकलता है उसे नीरा कहते हैं। उसे लज्जतदार पेय माना जाता है। सोते समय नारियल पानी पीने से नाड़ी संस्थान को बल मिलता है तथा नींद अच्छी आती है। इसके पानी में पोटेशियम और क्लोरीन होता है जो माँ के दूध के समान होता है। जिन शिशुओं को दूध नहीं पचता उन्हें दूध के साथ नारियल पानी मिलाकर पिलाना चाहिए। डिहाइड्रेशन होने पर नारियल पानी में नींबू मिलाकर पिया जाता है। इसकी गिरी खाने से काम शक्ति बढ़ती है। मिश्री संग खाने से गर्भवती स्त्री की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और तथा बच्चा सुंदर होता है। तो ये थे फ्रेंड्स, इस कारण स्त्रियां कभी नहीं फोड़ती हैं नारियल। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।